नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव दीदी मीसा भारती के लिए प्रचार करने मनेर जा रहे हैं, मनेर के लिए निकले हैं। और मनेर के लिए निकलने से पहले तेज प्रताप यादव ने मीडिया कर्मियों से बात की है, और मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए शिवहर से आरजेडी के उम्मीदवार फैसल अली की उम्मीदवारी पर सवाल उठाया है। तेज प्रताप यादव ने साफ तौर पर यह कहा है कि एक तरफ आप सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने की बात करते हैं, बीजेपी से लड़ने की बात करते हैं, और आप उस व्यक्ति को टिकट दे देते हैं जिसकी बीजेपी से नज़दीकियां हैं, जो बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी के साथ गलबहियां करता है, आप वैसे उम्मीदवार को टिकट दे देते हैं। और तेज प्रताप यादव ने शिवहर सीट के उम्मीदवार की उम्मीदवारी पर सवाल इसलिए भी उठाया है क्योंकि शिवहर सीट तेज प्रताप यादव अपने समर्थित उम्मीदवार के लिए मांग रहे थे, अपने पसंद के उम्मीदवार के लिए मांग रहे थे, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई, उनकी मांग को दरकिनार किया गया और शिवहर से सैयद फैसल अली को आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया। तो उनकी उम्मीदवारी पर सवाल उठाते हुए तेज प्रताप यादव ने क्या कहा है, आप एक बार सुन लीजिए। पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने आपकी लोग के माध्यम से, कैमरा के माध्यम से हमने के लिए तो दो सीट नहीं मिल पाया, और एक ऐसे कैंडिडेट को शिवहर से मिला है कि जो बीजेपी वालों के साथ जो नकवी जो हैं बीजेपी के, उनके साथ उनका तस्वीर है, मुख्तार अब्बास नकवी के साथ जो तस्वीर जो है और उनके साथ गले से गले मिला करके होली खेल रहे हैं, और पूरे तरीके से पूरी जनता जो शिवहर की जो जनता है पूरी तरीके से विरोध करने का काम कर रहे हैं। हम अभी भी समय है, अभी भी तेजस्वी जी को आपके कैमरा के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं, हम ये बोलना चाहते हैं कि ऐसे कैंडिडेट को नहीं दिया जा, देख सकते हैं, आइए देखता है कैमरा को देखा, ये देखिए ये होली खेल रहे हैं जैसा उसको ब्लॉक थोड़ा ऊपर ऊपर ग्रुप में डाल लीजिए सबको, ये देखिए होली खेल रहे हैं सामने दिखा दीजिए, तो ऐसे कैंडिडेट को दिया जा रहा है। हम बात करते हैं सांप्रदायिक ताकतों को भगाना है, मोदी जी को भगाना है, संविधान को बचाना है, लेकिन सिर्फ ऐसे कैंडिडेट को टिकट क्यों दिया जा रहा है जो पार्टी में मेहनत कर रहा है, खून पसीना बहा रहा है, अपना योगदान देने का काम कर रहा है, तो ऐसे लोगों को टिकट ना दिया जाए। और पूरे बिहार में हाहाकार मचा हुआ है जिस तरीके से महागठबंधन का सीट बंटवारा को लेकर के जिस तरीके से हुआ है, तो हम अपने लोगों के लिए पिछले बार भी जो स्टैंड लिए थे इस बार भी हमारा वही स्टैंड है, और हमारा स्टैंड और मैं अपने फैसले से बदलूंगा नहीं, मैं अपने फैसले पे अडिग रहूंगा कायम रहूंगा। तो साफ तौर पर तेज प्रताप यादव यह कहते हुए कि चयन गलत है, प्रत्याशी का चयन जो हुआ है शिवहर से गलत हुआ है, तेजस्वी यादव के पास अब भी समय है वे अपना उम्मीदवार बदल लें, क्योंकि फैसल अली बीजेपी के नज़दीकी हैं, बीजेपी से उनकी नज़दीकियाँ हैं, बीजेपी के आदमी हैं। दूसरी तरफ अंदर खाने से यह खबर आ रही है कि तेज प्रताप यादव ने जो खुला विद्रोह छेड़ रखा है पार्टी और परिवार में, उससे वे नरम पड़ना चाहते हैं, बैकफुट पर लौटना चाहते हैं, लेकिन लौट नहीं पा रहे हैं। बैकफुट पर लौटना इसलिए चाहते हैं क्योंकि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सख्त लहजे में चेताया है, चेतावनी दी है, जो अंदर खाने से खबर है कि तेजस्वी यादव की नेतृत्व क्षमता और तेजस्वी यादव के फैसले पर सवाल उठाना, फैसलों को चुनौती देना मंजूर नहीं होगा, चाहे वो कोई हो। और जाहिर है जब कोई हो तो तेज प्रताप यादव भी लालू के इस चेतावनी की जद में आते हैं, और तेज प्रताप यादव के लिए भी यह चेतावनी है कि तेजस्वी के फैसले पर सवाल उठाना, उनके नेतृत्व क्षमता को चुनौती देना बर्दाश्त नहीं करेंगे लालू यादव। तो तेज प्रताप यादव बैकफुट पर लौटना चाहते हैं, लालू के डर से कह लें, लालू की डांट से कह लें, लेकिन लौट नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये खबर है कि जिन उम्मीदवारों को उतारने का उन्होंने ऐलान किया है, जैसे शिवहर से, जहानाबाद से और तमाम जगहों से, वहां से जो उम्मीदवार उतरने वाले हैं तेज प्रताप यादव के समर्थन से, वो उम्मीदवार तेज प्रताप यादव को बैकफुट पर नहीं लौटने देना चाहते, और
दबाव बना रहे हैं तेज प्रताप यादव पर कि आप मेरी मदद कीजिए, मैं चुनाव लड़ूंगा, और आपने हम लोगों को लेकर जो स्टैंड लिया है उस स्टैंड पर कायम रहिए। दूसरी बात यह है कि तेज प्रताप यादव ने ऐलान किया था कि चंद्रिका राय के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, अपने ससुर जो सारण से आरजेडी के उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि यह सीट पारंपरिक सीट है, मेरे परिवार की सीट है, तो अगर ये सीट परिवार के हाथ में नहीं गई है तो चंद्रिका राय को उम्मीदवार बनाया है आरजेडी ने, तो मैं यहाँ से उम्मीदवार बनूंगा, यहाँ से चुनाव लड़ूंगा निर्दलीय। लेकिन तेज प्रताप यादव लालू की जो कथित डांट है उसके बाद बैकफुट पर आ गए हैं और वहाँ से संभवतः वह चुनाव नहीं लड़ेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ये लालू की डांट का ही असर है जो अंदर खाने से खबर है। तो इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।